हाय एवरीवन, वेलकम टू सुजास किचन। गर्मियों में हमें कुछ रिफ्रेशिंग और कुछ ठंडा पीने को मन लगता है, तो इसके लिए मैं आज बना रही हूँ ये झटपट बनने वाले और बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है, आम की पन्ना। इसका जो कॉन्सेंट्रेट है ना, जिसे आप एक बार बना लें और पूरी साल एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ आम की पन्ना, वो भी दो टाइप की। तो चलिए इस आम की पन्ना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्रेशिंग आम के पन्ना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कच्चे आम ले लिए हैं। इसे एक कुकर में डालेंगे, फिर एक गिलास पानी ऐड करेंगे, फिर इसे ढक के दो सीटी होने तक पकाएंगे। अभी हम दो टाइप के आम के पन्ना बना रहे हैं, पहले शुगर वाली आम पन्ना और बाद में गुड़ वाली। ये देखिए, यहाँ पर दो सीटी बन गई है, तो ये अच्छी तरह से पक चुकी है। तो इसे एक प्लेट में निकाल के रखेंगे। अभी इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर ठंडा होने के बाद इसका जो छिलका निकाल देते हैं। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट पक चुकी है अच्छी तरह से। फिर बाद में इसका पल्प निकालना है। गर्मियों के मौसम में आम की पन्ना ज़्यादा बनाते हैं, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और शरीर को बहुत ठंडक देने वाली ड्रिंक है। अभी हम पूरा पल्प निकाल के रख दिया, और इसके साथ ही हमने लिए हैं एक कप चीनी यानी 200 ग्राम जितना है, और पुदीने के कुछ पत्ते लिए हैं, और जीरा पाउडर एक चौथाई टीस्पून, काला नमक आधा टीस्पून, और नॉर्मल जो नमक है ना ये एक चौथाई टीस्पून लिया है, और आधा टीस्पून इलायची पाउडर। चलिए इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो एक मिक्सर जार में पहले हम डालेंगे आम की पेस्ट, और इसके साथ ही पुदीने के पत्ते डालेंगे, फिर जीरा पाउडर, नमक, काला नमक और इलायची पाउडर, और चीनी भी ऐड करेंगे एक कप जितना है। चीनी को ना कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कितनी कट्टे हैं आम उसके ऊपर डिपेंड है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के बिना पानी अच्छे से स्मूथ पेस्ट करना है। अभी देखिए ये कितनी अच्छी तरह स्मूथ पेस्ट बन गई है। अभी इसे एक छालनी से छान लेंगे। अभी ये आम की पन्ना की कॉन्सेंट्रेट तैयार है। इसे आप 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप पूरी साल तक रखना चाहते हैं तो इसमें आप एसिटिक एसिड है ना, थोड़ा सा 1 पिंच डाल के अच्छी तरह मिक्स करके एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, और जब चाहे तब बना सकते हैं सिर्फ पानी ऐड करके। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारा आम की पन्ना की कॉन्सेंट्रेट रेडी है। अभी इसे कैसे सर्व किया जा सकता है वो देखिएगा। तो पहले हम ग्लास में कुछ बर्फ डालेंगे, इसके बाद ये जो हमने बना हुआ आम की कॉन्सेंट्रेट डालेंगे। मैंने 3 टेबलस्पून जितना डाल दिया एक एक ग्लास में। फिर इसके बाद पानी डालेंगे, फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा शुगर वाली आम की पन्ना बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। कुछ पुदीने के पत्ते से गार्निश किया, बस बन गया गर्मियों में ठंडक देने वाली ड्रिंक। अभी हम बनाएंगे गुड़ वाली आम की पन्ना। ये भी सेम इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि चीनी की जगह गुड़ लिया है, पर बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले हमने ये उबाल हुआ आम के पेस्ट डाल दिया, फिर गुड़ डाल दिया, फिर इसे पेस्ट बना लेते हैं। बिना पानी इसे पेस्ट बनाना है। फिर सेम उसी तरह इसे भी छालनी से छान लेते हैं अच्छी तरह से। मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ, आप स्टोर करना चाहते हैं तो पानी बिल्कुल ऐड मत करिएगा। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स को डालने वाले हैं। तो ब्लैक पेपर और जीरा पाउडर, काला नमक और इलायची पाउडर, और नॉर्मल वाला वो जो नमक डाल दिया, फिर अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर ग्लास में पहले हम बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे, फिर इसके ऊपर 3-3 टेबलस्पून जितना कॉन्सेंट्रेट डालेंगे, फिर पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करके पुदीने के पत्ते से गार्निश करेंगे। फिर ये जो हमारा गुड़ वाले आम के पन्ना रेडी है सर्व करने के लिए। गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही ठंडक देने वाली ड्रिंक है, और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है।
मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरा न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।